जल्दी से नेहा के पास अब चलते हैं। नेहा, बाजार क्या कह रहा है? बाजार तो पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है अंजना, लेकिन जिस बात को लगातार जफर इस्लाम जी टच भी नहीं करना चाहते, दरअसल कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं जो कि बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं। ये CMII का डेटा है जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जारी किया जाता है, और उसमें किस तरीके से सालाना अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। या देखिए, 2017 से लेकर अब फाइनेंशियल ईयर 2022 तक यानी कि वित्तीय वर्ष 2022 में 7.7% यानी कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की दर 2020 में जबकि कोरोना आया था तब दिखाई दे रही थी, उसके बाद थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है, 7.7 दर पर यह पहुंच गई है, 7.7% पर। लेकिन क्या वाकई जो 10 लाख रोजगार देने का वादा प्रधानमंत्री ने किया था जिसमें सिर्फ अभी तक 1.5 लाख रोजगार मुहैया हो पाए हैं? कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया है। ऐसे तमाम लोग हैं जो इस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम्स पर ही निर्भर हैं, उन्हीं पर आश्रित हैं अंजना। और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा आज के बजट में कि क्या वाकई जो GDP ग्रोथ है जिसके बारे में कल भी इकोनॉमिक सर्वे में लगातार चर्चा की गई, क्या वो GDP का आंकड़ा सरकार छू पाएगी 6.5% का 2024 तक, जिस साल चुनाव होने हैं? क्या ये आंकड़ा जो कि IMF ने बताया कि बहुत ज्यादा बेहतर अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है, ये कहता है कि जो भारत है वो बेहद मजबूती से दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले आगे बढ़ रहा है, क्या ये वो आंकड़ा छू पाएगी सरकार या फिर नहीं? और ये तस्वीरें अंजना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, जिसके बाद ही आगे कैबिनेट की मीटिंग में बजट का अप्रूवल होता है, तो प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। पहले वो वित्त मंत्रालय गई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उसके बाद राष्ट्रपति के पास वो जाकर, और आप उनके हाथ में देख रहे हैं जिस पेपरलेस बजट की बात ये सरकार कर रही है वो आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बजट के सबसे पहले पहुंची हैं वित्त मंत्री, और ये पूरा का पूरा उनकी जो टीम है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कहा था महिला सशक्तिकरण में भी ये आखिरी बजट, पूर्ण बजट इस मोदी 2 का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनका ये 5वां बजट है जो आज वो पेश कर रही हैं, पूरी टीम उनके साथ। बिल्कुल, और सेंटर फोकस में दोनों महिलाएं दिखाई दे रही हैं, एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाल साड़ी में, दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू जो कि कल आर्थिक सर्वेक्षण के साथ सामने आई, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश जिस दर से विकास कर रहा है, जिस मजबूती के साथ अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में एक सशक्त भारत की तस्वीर यहां पर दिखाई देगी। लेकिन इस बीच लगातार ये सवाल उठ रहे हैं अंजना कि आखिरकार वो जो ग्रोथ रेट है या फिर प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया का सपना, और साथ ही किस तरीके से वोकल फॉर लोकल को मजबूती प्रदान की जाएगी, उन तमाम बातों को लेकर क्या महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, क्या ऐसे ऐलान हैं जो आज के इस बजट में संभव है? लगातार जफर इस्लाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर जी, एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि लगातार जो खपत है, जो कंजम्पशन है, वो कम होता जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि लोगों के जो लिविंग का स्तर है यानी कि जिस आधार पर ये तय किया जाता है, कई सारे ऐसे मानक होते हैं कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड ही बताता है कि आपके देश की जनता कितनी खुशहाल है, वो लगातार कम हो रहा है क्योंकि महंगाई आपके लिए एक बड़ी चुनौती है और इससे आप पार नहीं पा रहे। देखिए, कोविड के बाद और कोविड के समय और कोविड के बाद तुरंत निकलते ही जो है हमें यूक्रेन वॉर का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने वही कोशिश की है कि जो जिन जन वर्ग को जिस तरह की भी जरूरत है उसको हमने उसका प्रावधान किया है और उसको पहुंचाने का काम किया है। हम जरूर इस बात की चिंता करते हैं कि एक आम नागरिक को उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका स्तर बढ़े, और उसके उसके लिए जो भी पॉलिसी डिसीजन होगा, जो भी बजटरी एलोकेशन होगा वो करेंगे, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, चाहे वो कोई भी हो, देश का नागरिक हो, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, और उसके लिए हम जरूर उसकी झलक आपको इस बजट में जरूर दिखेगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति ने भी जानकारी दी है ट्वीट के जरिए कि निर्मला सीतारमण उनके पास आई हैं मिलने के लिए, और ये तस्वीरें देख रहे हैं, सुबह चाय पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ, और ये शक्तिशाली तस्वीर हिंदुस्तान की जिसमें आप देख रहे हैं महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ महिला वित्त मंत्री जो कि इस बार 5वां बजट अपना पेश कर रही हैं। लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं,
क्योंकि ये सच है कि अन्य देशों के मुकाबले 6.1 का प्रोजेक्शन IMF ने भी किया है, लेकिन हम कैसे 8.5 से 7 और 7 से फिर 6.5 जो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया IMF का प्रोजेक्शन 6.1 है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हम बेहतर आगे कर पाएंगे, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल ये तस्वीर, इसके फौरन बाद वो अब जाएंगी जहां पर कैबिनेट में अप्रूवल होगा इस बजट का, और ठीक 11 बजे आप देखेंगे